आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि जो है वो क्षमा वीरस्य भूषणम। इसका अर्थ यह हुआ कि माफ करना ये वीर का आभूषण है। यानी कोई किसी को माफ जो करता है वह कमज़ोर व्यक्ति नहीं कर सकता है, वीर व्यक्ति कर सकता है। कमज़ोर व्यक्ति तो क्या करेगा, टिट फॉर टैट करेगा, नैले पे दैला मारेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया करेगा, एक के साथ में दो सुनाएगा, चार सुनाएगा। ये कमज़ोरी का लक्षण है। लेकिन वीर होगा वो कहेगा जाने दो, क्षमा करो इसको, ये अज्ञानी है, इसने गाली दे दी, इसने बुरा बर्ताव किया, तो इसकी ये जाने, मैं अगर इसके साथ में वापस बुरा बर्ताव करूँगा तो इसमें और मेरे में क्या अंतर है। वो बहुत गहरा सोचता है, बड़ा सोचता है, तब उसके समान जो है वह ऐसा कार्य नहीं कर सकता। ये सब क्षमा के भाव कब आते हैं, जब व्यक्ति के जो भीतर है कषाय है वो उपशांत होते हैं। हमारे भीतर बड़े बड़े नाग भरे पड़े हैं, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ। ये नाग हर क्षण पुकारते रहते हैं और हमको खाते रहते हैं। तो इन नागों को शांत करने से ही हम किसी को क्षमा कर पाते हैं। इन नागों को शांत करने से हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है। हम सम, शम और शम की जो है नीति में आ जाते हैं। सम का अर्थ होता है संभाव, यानी कि वो लाभ और हानि, निंदा प्रशंसा और सत्कार गाली जैसी भी परिस्थिति होती है उसको एक समान समझना होता है। ये संभाव की स्थिति होती है। और दूसरा होता है शम। शम का अर्थ होता है समन करना, यानी जो हमारी जो कषाय है उनको दबा कर रखना। व्यक्ति को क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन क्रोध एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए। क्रोध के वशीभूत होकर के हम दूसरे को गाली गलौज या जो है वो हम उसके साथ में किसी के साथ में मिसबिहेवियर नहीं करें, तो ये हमारा शम का भाव है। और सम, शम और तीसरा होता है हमारा श्रम। यानी हमारे को जो है श्रम का मतलब हमको मेहनती होना चाहिए। जो व्यक्ति श्रम की नीति से चलता है वो व्यक्ति प्रोग्रेस करता है, क्योंकि वह मेहनत करने लग जाता है। जो व्यक्ति आलसी होता है, वो आलसी व्यक्ति वो दिन भर सोता रहता है, आराम करता रहता है और उसका जो है कोई आउटपुट नहीं आता है, कार्य में प्रगति नहीं होती है, वो श्रम की नीति कहलाती है। तो ये जो व्यक्ति क्षमाशील होता है वो हमेशा सम, शम और श्रम की नीति से चलने वाला होता है। तो भाइयों बहनों, ये आज का विषय बहुत सुंदर विषय है। जो व्यक्ति क्षमाशील होता है,
सभी उसको पसंद करते हैं, क्योंकि समाजशील व्यक्ति जो है दूसरे के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करता है। वह ये समझता है कि जैसा जो है मुझे कोई चीज़ अगर गलत पसंद नहीं है तो मैं दूसरे के साथ में जो है गलत बर्ताव क्यों करूं। और ऐसा समझने वाला व्यक्ति एक अच्छा वातावरण बना देता है, वह सबको प्रिय लगने लग जाता है। और जब व्यक्ति अच्छा वातावरण बनाता है तो कई लोग उसके साथ में जुड़ जाते हैं, उसके विजन में, उसके काम के अंदर। तो हमें जो है जीवन में हमेशा क्षमाशील होना चाहिए। ये क्षमाशील होने की भावना दो तरह से आती है। एक तो क्या है कि हमारे अर्जित होती है, पूर्व जन्म से हमारी आत्मा की शुद्धि हम साथ लेकर के आते हैं, हमारा ज्ञान दर्शन डेवलप्ड अवस्था में होता है। तो उस के अंदर हमारे जो ये कषाय है वो शांत रहते हैं। और एक दूसरी स्थिति होती है, वो अर्जित किया जाता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, वैराग को पैदा करने के लिए अभ्यास करना होता है। अभ्यास से भी कई चीज़ हासिल की जाती है, क्योंकि कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर व्यक्ति को परफेक्ट होना है तो उसको लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। एक बच्चा है, उसको जो है हम प्रारंभ से अ आ करके बारकड़ी सिखाते हैं, ए बी सी डी सिखाते हैं, तो धीरे धीरे जब उसका अभ्यास हो जाता है, अच्छा पढ़ना, अच्छा बोलना, अच्छा लिखना वो चालू कर देता, वो अच्छा वक्ता बन जाता है, अच्छा चिंतक बन जाता है, और सोसाइटी का जो है एक आइडियल व्यक्ति बन जाता है। तो पुरुषार्थ बहुत बड़ी बात होती है, अभ्यास बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि करत करत अभ्यास के और जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। देखिए, पुराने जमाने में जब बिजली नहीं थी, कुएं से पानी निकालने के लिए चड़स का उपयोग किया जाता था। चड़स का जो बूंद होता था, यानी जो जिस गोले पे रस्सी चलती थी, वो एक रस्सी का किनारा टेपर होकर के और धीरे धीरे अंडरग्राउंड पशु के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, वह जो है टेपर में नीचे जाता था। और दूसरा जो किनारा होता था रस्सी का, वह एक पत्थर की शिला पे चलता चलता चड़स से पानी निकालता। जब वो जो है वो पत्थर की शिला से स्पर्श होता, उसको घिस 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 करके और उसके अंदर भी एक छेद कर देता, उसमें सल बना देता। देखिए, पत्थर के अंदर भी सल पड़ जाता, क्यों? बार बार वो रस्सी उस पर आती है। तो एक जो कवि कालिदास जैसे महामूर्ख भी प्रकांड विद्वान बन गए, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, जिन्होंने की रामायण लिखी, ये पिछले जन्म में डाकू थे, तो उन्होंने अभ्यास किया, उनको किसी का जो है परामर्श मिला, सहयोग मिला, चाहे जो जैसे तुलसीदास जी को अपनी पत्नी का सहयोग मिला। तो ऐसे सहयोग से पाकर के, अभ्यास करके उन्होंने तुलसीकृत रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण लिखी। तो अभ्यास से व्यक्ति कुछ का कुछ बन जाता है। तो ये अभ्यास करके भी हम क्षमा भाव को पैदा कर सकते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम्, क्षमा करना कायरता नहीं है। भारत हमारा देखिए, पिछले 1000 साल का इतिहास उठा करके देखिए कि भारत में रियासतें थी, बड़े बड़े शूरवीर थे, लेकिन भारत ने कभी भी आज तक भी
चला पे करके किसी को पर आक्रमण नहीं किया, चाहे चाइना का वार हो चाहे पाकिस्तान का वार हो, भारत ने चला के आक्रमण नहीं किया, भारत की नीति नहीं है, आज भी नहीं करता है। लेकिन अगर कोई भारत को आंख दिखाता है, भारत के ऊपर हमला करता है, तो भारत के जो साहसी दिलेर सिपाही है उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये दुनिया ने जान लिया कि अहिंसा प्रधान देश है लेकिन कायर देश नहीं है। ये देश हर तरीके से सक्षम है क्योंकि हम क्षमा का भाव रखते हैं, हम लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं कि लड़ाई में लड्डू नहीं बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति, परिवार, समाज, देश अगर लड़ाई करता है तो निश्चित मान के चलिए दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचता है, दोनों के विकास के अंदर अवरुद्धता आती है। आज देखिए विश्व में क्या हो रहा है, क्षमा भाव घटता जा रहा है। उस कारण से अपनी सुरक्षा करने के लिए सभी देश अपने बजट का 75% सुरक्षा पे भय के कारण लगाते हैं, वो अभय नहीं है। अगर क्षमा का भाव होता है वो अभय पैदा करता है, और सभी देश अगर क्षमाशील हो जाते हैं, निःशस्त्रीकरण पर आ जाते हैं, अहिंसा की नीति का पालन करने लग जाते हैं, योग की नीति का पालन करने लग जाए, तो 75% का जो जखीरे पे लगता है अल्टीमेटली उसका उपयोग क्या। आज विश्व में इतना जखीरा इकट्ठा हो गया है कि 7.8 अरब की जनसंख्या को 7.8 मिनट या सेकंड में भी भस्मीभूत किया जा सकता है। इतने विषैले विषय परमाणु बम मिसाइलें आज जो है पैदा कर ली गई है, ये दिखाने के लिए कि मैं जो है ताकतवर देश हूँ। लेकिन अगर किसी दिन विस्फोट हुआ तो सारी मानवता समाप्त हो जाएगी और कोई बचना नहीं, ये सारी दुनिया खंडर बन जाएगी। हमने पहला विश्व युद्ध देखा, दूसरा विश्व युद्ध देखा, तो हमको कितना जन और धन की हानि हुई है। तो भाई और बहनों, ये पुनरावृत्ति ना हो, विश्व युद्ध ना हो, सभी भाई भाई की तरह इस दुनिया में अपना जीवन यापन करें, तो हमें जो है क्षमा वीरस्य भूषणम के सिद्धांत पे चलना पड़ेगा, हमें क्षमा करना सीखना पड़ेगा। जो क्षमा करता है वो महान होता है, वो कायर नहीं होता है। जो बदला लेता है वह व्यक्ति कायर है, बदला लेना कमजोरी है, क्षमा करना महानता है, क्षमा करना वीर का काम है, क्षमा करना महान व्यक्ति का कार्य है। और ये हमको हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया। भारतवर्ष आर्यों का देश है और उन आर्यों ने भारतवर्ष में प्रारंभ से ऐसी नींव लगाई कि उन्होंने भौतिकता की और आध्यात्मिकता का समन्वय किया। भारत सोने की चिड़िया देश कहलाता है और धर्म गुरु देश कहलाता है। हमने दोनों तरफ तरक्की की। चिड़िया सोने की चिड़िया का अर्थ क्या हुआ कि भारत एक समृद्ध देश था, यहाँ हीरे पन्ने माणक मोती व्यापार करने के लिए पूरा विश्व आता था, और उसके साथ साथ यहाँ से बहुत सी चीज़ों का एक्सपोर्ट होता था, और उसके साथ साथ में हमने जो है भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता को समझा। ये आध्यात्मिकता है, हमें क्षमा भाव सिखाती है कि अपना सो अपना, पराया सो पराया, हमें किसी दूसरे की जमीन साम्राज्य को नहीं हड़पना है, दूसरे के धन को नहीं हड़पना है, दूसरे के अधिकार को नहीं हड़पना है,
दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, ये भारत की नीति है और आज तक हम उस नीति पे चल रहे हैं। हमारा देखिए भारतवर्ष का संविधान को देखिए और हमारी डेमोक्रेसी को देखिए। भारत का संविधान विश्व का एक आइडियल संविधान है और भारत का जो प्रजातंत्र है वह विश्व का महान प्रजातंत्र है, जिसके अंदर हर 5 साल के बाद में पार्टी बदल जाती है, जो आती है अपना राज करती है और जो चली जाती है वो फिर अपना जो है वो जनता के साथ तालमेल बना के फिर आ जाती है। ये परिवर्तन चलता रहता है, परंतु कोई किसी को गिरा कर, कोई किसी का बुरा करके और आगे बढ़ने की बात नहीं करता है, अपनी योग्यता पैदा करके आगे बढ़ने की बात करता है। तो ये सारे गुण कहाँ से आए? ये सारे गुण क्षमा भाव से आए हैं। क्षमा भाव वाला व्यक्ति इस दुनिया में किसी को, कहीं किसी भी व्यक्ति को अपना दुश्मन नहीं समझता है, सभी को मित्रवत समझता है और सभी आत्माओं के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता है। क्षमा वाला व्यक्ति जो है हर आत्मा में प्रभु का निवास महसूस करता है और वो क्षमा भाव वाला व्यक्ति 5 बड़े बड़े सूत्र का जो है वह जीवन में अभ्यास करता है। वो सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी क्षमा भाव पैदा करने के लिए उन सूत्रों का अभ्यास कीजिए। पहला सूत्र यह है कि जगत निर्दोष, ये सारी दुनिया का हर प्राणी जो है निर्दोष है, क्योंकि किसी का दोष होता ही नहीं है। दोष तो स्वयं मेरे कर्मों का है, मेरे दोष जो मैंने इकट्ठे किए हैं और जो उदय प्रारब्ध आने पर किसी को जो है निमित्त बना करके और ये जो है संजोगों के अधीन प्रकृति इसको खड़ा करती है, वो तो बेचारा निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने पूर्व में उसके साथ में वैसा जो है वह व्यवहार किया है, तो वह तो मुझे मुक्ति दिलाने आया है, वह तो मुझे NOC देने आया है, वो तो मुझे जो है मेरा जो जितना भी हिसाब है वो क्लियर करने के लिए आया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। तो सारा जगत निर्दोष मानना चाहिए, दोष किसी प्राणी का नहीं होता है। दूसरा है टकराव टालिए, यानी कि हर परिस्थिति में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो हमें ये समझना चाहिए कि हम टकराव करेंगे तो वह जो है हमारे लिए हर स्थिति के अंदर दुखदायी होगा, नुकसानदायी होगा, दोनों पक्षों को नुकसानदायी होगा। तो हमें वो टकराव टालने के लिए प्रतिक्रिया को रोकना चाहिए, सहनशीलता को बढ़ाना चाहिए। किसी ने हमें गाली दी, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, तू मैं किया, उसको आप एक्सेप्ट मत कीजिए। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वह उसके वापस उसके पास में चली जाएगी। एक गेंद है, उस गेंद को मैंने किसी दीवार के ऊपर फेंका तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से वो गेंद है वापस मेरे हाथ के अंदर आ जाएगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसीलिए जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, ये हमारा जो है लॉ ऑफ द नेचर है, ये हमारे सनातन सत्य का एक भाग है। सनातन सत्य कुदरत, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है। ये लॉ ऑफ द नेचर है, ये कुदरत का कानून है,
वही हम आपको एक क्षमा वीरस्य भूषण के सिद्धांत के आधार पे बताना चाहते हैं कि ये जो विषय हमने लिया है ये सनातन सत्य पर आधारित है और इस विषय के माध्यम से हम आपको जो है वो शाश्वत सुख यानी आपका जीवन आनंदमय बने और आने वाले समय के अंदर आपके जीवन में कोई दुख आए ही नहीं। देखिए जो व्यक्ति जन्म लेता है छोटा से छोटा वायरस भी है वह जीना चाहता है, एक वायरस भी मरना नहीं चाहता है और छोटा से छोटा प्राणी भी दुख नहीं चाहता है। तो आपको क्या अधिकार है किसी को मारो? क्या आपने उसको जेनरेट किया, उसने बनाया, तो आपको ये अधिकार किसने दिया? कुदरत तो साफ कहती है कि समस्त प्राणियों का संचालन मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, आप करता कहाँ से बन गए? तो ये आपका मिथ्या आरोपण, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को मारने का, किसी को दुख देने का। तो वो हम न करें, नियंत्रण में रहें, उसके लिए ये विषय लिया गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम्। हर क्षण हर लेवल पे इसको आप एप्लीकेबल करें, चाहे हमारा व्यवहार का जगत है, चाहे हम परिवार में हैं, चाहे हम हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान के अंदर हैं, चाहे हम पब्लिक प्लेसेस के अंदर हैं, इसको लागू करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप ट्रेन में जा रहे हो और आपके द्वारा किसी को कष्ट पहुंच गया और आपने इतना ही कह दिया भाई साहब सॉरी माफ़ करें, तो वह व्यक्ति जो है आपका गुलाम बन जाएगा। और आपने उसको अगर झाड़ना चालू किया, देख के नहीं चलते हो, गलती आपकी है और आपने जो है उसी को झाड़ना चालू किया, तो वो क्या होगा कि वो आपसे लड़ाई करने को आ जाएगा। यानी आपने क्षमा वीरस्य भूषणम सिद्धांत को लागू नहीं किया। किया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये सिद्धांत लेकर के चलने वाला व्यक्ति 210 कंट्री के किसी भी देश में चला जाए, किसी भी भाषा, लिंग, देश, क्षेत्र के व्यक्ति को अपना दोस्त बना सकता है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं। हम एक दूसरे का सम्मान चाहते हैं और गलती होना स्वाभाविक है। टू एर इज ह्यूमन। इंसान गलती का पुतला है, गलती करता है, लेकिन सिर्फ गलती के सुधार का भी रास्ता है, वो रास्ता अपनाना चाहिए। चोरी और सीना जोरी का रास्ता अपनाएंगे तो वो हमारे विषय के विपरीत है, उसके परिणाम आप भुगतोगे, आप अपने जीवन को कष्टमय बनाओगे। आप घर में हो और आपने अपनी पत्नी को चोरी और सीना जोरी चालू किया, बेचारी पत्नी का कोई दोष नहीं, उसने तो समय पे भोजन बना के आपको दिया, कपड़े धोकर के आपको दिए, आपकी सेवा करती है और आप उसके नुश्क निकालते रहो कि वो भोजन तो परोस दिया, भोजन ठंडा आपकी गलती से हुआ, आप उसको फटकार रहे हो, कपड़ा धोकर के दिया और आप उसको ये कहोगी ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ये क्या है कि समन्वय न करने का, प्रतिकार करने के कारण जो है ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमारे व्यवहार जगत में खड़ी होती है, निश्चय जगत में भी प्रॉब्लम के यही कारण होते हैं। तो हमने आपको एक सूत्र दिया, जगत निर्दोष, दूसरा टकराव टालिए, तीसरा बहुत महान सूत्र मैं आपको देता हूँ कि एडजस्ट एवरीवेयर। अगर व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर देता है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, एसी मिला न मिला, कपड़े जो है वो महंगे नहीं होकर के जो है सस्ते हैं, तो कैसी भी परिस्थिति आई
उसमें अपने आप को एडजस्ट कर दिया तो वो महान व्यक्ति होता है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में असफल नहीं होता है। जितने भी दुनिया में महान व्यक्ति होते हैं उनका इतिहास उठा के देखिए कि उन्होंने अपने आप को हर परिस्थिति में, सुख में, दुख के अंदर, थोड़े में, ज़्यादा में, हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चले हैं। और चौथा है, भुगते उसकी भूल। कितना सुंदर जो है ये सिद्धांत है। ये मैं सिद्धांत आपको क्यों दे रहा हूँ कि क्षमा वीरस्य भूषणम का मैं आपको एक आइडियल व्यक्ति बनाना चाहता हूँ। आपके हर विचार के अंदर ये सिद्धांत आ जाए, आपके अस्थि मज्जा तक ये सिद्धांत चला जाए कि लेट गो, लेट गो, लेट गो, जाने दो, जाने दो। तो जब आप ये सीख जाओगे तो आप लड़ाई झगड़ा करना भूल जाओगे। और सब लड़ाई झगड़े का मूल इसी कारण से होता है। तो इस तरीके से ऐसे सुंदर अगर एक भी सिद्धांत को जीवन में लागू कर दिया तो आप वीर बनोगे, कायर नहीं बनोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सबका विकास हो, आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जनरल पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।